हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुस्वागत है आपका आपकी यूट्यूब फैमिली मैथ विद साहिल चिराया के अंदर। तो स्टूडेंट, आज अपने पढ़ने वाले हैं आपके टाइम एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 3 को, और अपने हर एक चीज को प्रॉपर वे में डिस्कस कर रहे हैं। और आप ये देखोगे कि आपकी हर एक वीडियो के अंदर समय चाल दूरी की जो बेसिक आपके फॉर्मूले हैं, और एक आपको अनुपात का रेशियो करवाया है, यानी आप, मैं ये बोल सकता हूं, मात्र एक ही ट्रिक में आप समय चाल दूरी के सारे प्रश्न हल कर रहे हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन की वर्डिंग, थोड़ा सा क्वेश्चन का लॉजिक समझने की जरूरत है, और आप अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को कवर अप कर पाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अपील कि जो भी नए व्यूअर हैं इस चैनल के, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप घंटा जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप परिवार के पहले सदस्य बने जिनके पास जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो इस परिवार को आगे बढ़ाना है, बुलंद बनाना है, ताकि आपका जो डर है हर एक सब्जेक्ट के अंदर वो आपका दूर हो सके। जैसे मैथ का डर आपका दूर हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट का डर आपका दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अगर आपका ये परिवार बड़ा होता है तो डेफिनेटली आप भी बुलंदियों पर पहुंचेंगे, आप भी सक्सेस पर पहुंचेंगे। तो इसी के साथ, इसी आशा के साथ, इसी उमंग के साथ और नए जोश के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चेकआउट कीजिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया गया है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक 32 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। रेलगाड़ी का बिल्कुल बेसिक पोर्शन है। तो यहां देखिएगा, अगर अपने बात करें इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो आपको क्या दिया गया है, रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई है उसको आपको दे रखी है 180 मीटर, ठीक है, और जो पुल है उसकी लंबाई दे रखी है आपको 32 मीटर। कितना समय लेगी ये आपसे पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी डिस्टेंस अपॉन चाल यानी कि स्पीड। दूरी आपकी क्या होगी, जब कोई रेलगाड़ी एक पुल को पार करेगी, तो स्टूडेंट ध्यान समझना, जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो क्या होगा, रेलगाड़ी जितनी दूरी तय करेगी वो किसके बराबर होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो एक छोटे से डायग्राम से कवर करता हूं। मान लो ये आपकी रेलगाड़ी है, क्लियर, ये आपकी रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई आपको दी गई है L, ठीक है, और ये आपका इसके जस्ट आगे एक पुल है, इसकी लंबाई मैंने दे रखी है P, क्लियर, इसकी लंबाई मैंने दे रखी है P। जब रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी कितनी दूरी तय करेगी, यही पूछा है, और ये अपने माइंड में रट्टा लगाते हैं। अब यहां पे आपके सामने शो करता हूं कि ये आपका दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर क्यों होता है। इस पुल को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी यहां पहुंच गई है, रेलगाड़ी यहां पहुंच गई है, रेलगाड़ी ने इस पुल को पार कर दिया है। तो रेलगाड़ी के अगले सिरे ने कितनी दूरी तय की, एक तो उसने ये पी दूरी तय की और ये वाली दूरी तय की। तो ये पी है और ये एल है, दोनों का टोटल उसने तय किया है। यही अपने रट्टा मारते, रट्टा नहीं मारना, अपने माइंड में लॉजिक को सेट करना है। तो जो आपकी डिस्टेंस होगी दोनों का टोटल कितना हो गया, 212, और डिवाइड बाय आपका जो समय, सॉरी आपकी जो स्पीड दे रखी है, आपकी चाल दे रखी है, चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो छोटी वैल्यू में जाना है तो 5/18 से गुना, तो यहां पर अपने 5/18 से गुना कर देते हैं, 18 आपका ऊपर चला जाएगा, क्लियर, 18 × 36, 5 × 10, तो आपके पास वैल्यू होगी 21.2 मीटर, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा पोर्शन है। और रेलगाड़ी से संबंधित हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से है, लेकिन जाना कहां है, जाना एडवांस लेवल पे है, जो आज के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे अपने कवर अप करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है सिंपल है, बिल्कुल बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पूरी वीडियो के अंदर हर एक टाइप का क्वेश्चन हमारा डिस्कस होगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वेश्चन दिया गया है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई निकालिए। तो पुल की लंबाई मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। तो जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे, जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो क्या होगा? जो दूरी होगी वो किसकी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर और पुल की लंबाई आपको ज्ञात करनी है x मीटर। क्लियर? बराबर आपको जो अब यहां पर स्पीड दी गई है, स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं तो क्या होगा? 5/18 से गुना। क्लियर? और आपका जो टाइम दिया गया है वो दिया गया 30 सेकंड। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपका रेडी है। तो देखिए 3 से काट लेते हैं, यहां 10 आ गया, और यहां पर आपके पास वैल्यू होगी 6 से काटा आपका 10, यहां पर वैल्यू आ गई 500, और ये आपका 125 प्लस x। तो x का मान इसमें से 125 घटा दो, 375 मीटर आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो आपको चाहिए था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी से इसे समझना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक ठोक दो स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी लाइक बटन को आप दबा दीजिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन दिया गया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी। आपसे समय पूछा गया है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो समय दूरी की बात करें, जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो चलेगी दूरी किसके बराबर होगी? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, क्योंकि पुल तो है नहीं जिसकी लंबाई बहुत बड़ी होगी। खंबा क्या है? नगण्य सा है। तो रेलगाड़ी जब किसी खंबे को पार करेगी तब चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है वो 100, और चाल दे रखी है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुना, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 × 36, 5 × 10 का भाग दिया, 10 सेकंड आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। और यहां पर यह भी बात समझ लीजिए कि जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो होता क्या है, पूरे डायग्राम से समझाता हूं, रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का, लॉजिक क्लियर करना है। ये रेलगाड़ी है और इसके जस्ट आगे मैंने एक खंबा सेट कर रखा है। जब रेलगाड़ी इस खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी की लंबाई में एल दे देता हूं। खंबे को पार करने का मतलब क्या है? रेलगाड़ी का पिछला सिरा इस खंबे से टच कर गया, इसका मतलब ये पार कर गई रेलगाड़ी। तो इस रेलगाड़ी अगले सिरे ने कितनी दूरी तय की? यहां से लेकर यहां तक, और ये किसके बराबर है? एल के बराबर ही है। तो रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है, और रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो चली गई दूरी किसके बराबर होती है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों की जो आपकी लंबाइयां हैं वो जुड़ जाती हैं। और खंबे की लंबाई नगण्य मानी जाती है, तो जब रेलगाड़ी कोई ऐसी दूरी को पार करती है लाइक खंबा हो गया या सिग्नल पॉइंट हो गया या कोई व्यक्ति हो गया, तो चली गई दूरी सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, चेकआउट कीजिएगा, और अगर आपके सॉल्यूशन आ चुके हैं तो जल्दी से आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि आपको और मेरा दोनों का कन्वर्सेशन अच्छा हो। आपका अगर कोई डाउट है तो उसे भी आप सेंड कर सकते हैं मुझे, और मैंने सभी लिंक्स मेरे सोशल मीडिया के, हालांकि मेरा व्हाट्सएप, मेरी ईमेल आईडी, मेरे फेसबुक पेज, हर एक का डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ये पहले से ही पता हो कि मेरी कौन कौन सी वीडियो, कौन सा टॉपिक चल रहा है और कब कौन सा शेड्यूल होगा। ये हर एक चीज मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डालता हूं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे, आप क्लिक कीजिए, सभी सोशल मीडिया को ज्वाइन कीजिए ताकि कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आए आपको वो मिल जाए। लेटेस्ट क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, हर एक चीज प्रोवाइड मिलेगी, पूरी स्टडी किट मिलेगी आपको मैथ्स की, लेकिन आपको उसके लिए सोशल मीडिया को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 121 मीटर और 99 मीटर है। दो रेलगाड़ी है, एक 121 मीटर की है और दूसरी क्या है? 99 मीटर की है। क्लियर? कर्मश 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा
और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है। क्लियर? जब ये एक दूसरे से मिलेंगी तो उसके बाद ये एक दूसरे को कितने समय में पूरी तरह पार कर जाएंगी? मिलने के बाद पार करने की बात कही गई है तो आपको निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। ठीक है, जब रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी तो चली गई दूरियां किसके बराबर होंगी? दोनों के टोटल के बराबर होंगी। तो दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 220 डिवाइड बाय, ये दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान है तो चाल क्या होगी? चाल भी आपकी क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो चाल जोड़ा कितना आ गया? 72। कैलकुलेट कीजिए, आंसर रेडी है। इसे अपने को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है। 5/18 से गुना, 18 × 72, 5 × 20, 20 से काटा तो यहां पर आ गया आपके पास, 2 से काटा 11, आपका उत्तर आ गया 11 सेकंड। क्वेश्चन आपका सोल आउट है। क्वेश्चन सिर्फ लंबा दिख रहा था कुछ भी नहीं। और आप देखोगे समय और चाल और दूरी, ये जो पूरा टॉपिक है बहुत आसान है, बस क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी अजीब देता है, इसलिए अपने को थोड़ी मुश्किल आती है। अब यहां पर मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट कवर अप कर देता हूं आपका रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष दूरी का। जब दो रेलगाड़ियां मूविंग स्टेज में आ जाएं तो वो एक दिशा में गतिमान भी हो सकते हैं और विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, वहां पर मैं ध्यान से आपको कवर अप करवाता हूं। ट्रिक या फॉर्मूला एक ही है, आपको बस अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें ऐड अप करते जाना है। अब देखिएगा, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेंगी, विपरीत दिशा में पार करेंगी तो क्या होगा? तो दोनों की जो चाल है वो आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएगी। दोनों की जो टोटल चाल निकालोगे वो आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? अब ध्यान से समझना, इसकी चाल में ले लेता हूं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल ले लेता हूं मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या होगा? दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपने सफर किया होगा, मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, और आप नॉर्मल एक मान सकते हो, मैं अपने एरिया की बात करता हूं, मान लो आप पदमपुर से गंगानगर की तरफ जा रहे हो और एक बंदा गंगानगर से पदमपुर की आ रहा है, आप भी गाड़ी पर हो और सामने वाला भी गाड़ी पर है, एक दूसरे को पार करते हो तो कितना समय लगता है? एक छोटी सी आवाज आती है, लो जी पार कर गए, इतना ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों की चालें जब एक दूसरे आप विपरीत दिशा में गतिमान हो तो बहुत कम समय लगता है। रीजन, आपकी दोनों की चाल बहुत बढ़ चुकी है। क्लियर? तो बढ़ेगी चाल, समय क्या होगा? कम होगा, तो आपको समय बड़ा कम लगता है। और आप ये मान लो कि दो आप व्हीकल पर जा रहे हो, आपका दोस्त भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है पदमपुर से गंगानगर, और आप भी पदमपुर से गंगानगर जा रहे हो, और वो आपको क्रॉस करता है, तो आप बताओ क्रॉस करने में जो समय लगता है वो कितना लगेगा? वो डिपेंड करेगा सामने वाले पे जाने देता है नहीं देता। अगर वो उसकी स्पीड पीछे वाले की स्पीड आपसे ज्यादा है तो आपको वो पार कर जाएगा, लेकिन पार करने में जो समय लगेगा वो ज्यादा लगेगा पहले की तुलना में। तो इसका मतलब अगर दो व्हीकल, दो रेलगाड़ियां एक दिशा में गतिमान है, एक ही दिशा में गतिमान है, एक इधर है दूसरे इधर है, इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक ही दिशा में गतिमान है, तो टोटल जो चाल आएगी दोनों का क्या आएगी? अंतर a माइनस बी, आप इसे लिख सकते हो b माइनस a, दोनों में से जो बड़ा होगा आपको लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा। एक दिशा में गतिमान तो आपको क्या करना है? माइनस। विपरीत दिशा में गतिमान तो प्लस। अब आप देखना रेलगाड़ी के जो भी दो रेलगाड़ियों वाले प्रश्न आते हैं कैसे चुटकियों में हल होते हैं, बस आपका फोकस प्रॉपरली होना चाहिए। दूरी पर स्टूडेंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दूरी हमेशा जुड़ती है। जब कोई दो रेलगाड़ियां चलेंगी तो दूरी होगी बीच की दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर होगी। दूरी पर कुछ नहीं सोचना, दूरी जुड़ेगी ही जुड़ेगी, लेकिन चाल डिपेंड करेगी। एक समान दिशा में गतिमान है तो माइनस होगी, विपरीत दिशा में गतिमान है तो प्लस होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से उसे कवर अप कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर सुबह 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है, तो वो किस समय मिलेंगी? तो यहां ध्यान से देखिएगा, पूरे डायग्राम से समझाता हूं कि यहां पर आपके दो स्टेशन है, मैंने मान लिया ए और बी,
एक रेलगाड़ी है वो ए से बी की तरफ जाती है किस चाल से? वो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने बजे? सुबह 8 बजे। ठीक है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 330 किलोमीटर। क्लियर। और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो क्या करती है? वो जाती है बी से ए की तरफ किस चाल से? चाल है आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने बजे जाती है? 9 बजे। तो आपको बताना है कितने समय में वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो सिर्फ समय बताना है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। फॉर्मूला वही है, कोई बहुत बड़ी लंबी चौली बात नहीं है। दूरी आपकी डी, चाल आपकी एस। क्लियर, दूरी बटे चाल। तो अब यहां पर पूरी जजमेंट करनी है कि दूरी को क्या रखना है और आपकी चाल को क्या रखना है। अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल क्या आएगी? चाल विपरीत दिशा में गति में दोनों का टोटल आएगी, दोनों का टोटल हो गया 135 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चाल विपरीत दिशा में गतिमान है, दोनों का टोटल हो गया 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी की बात करें तो दूरी कब की लेनी है? दूरी आपको दे रखी है 330। अगर आप 330 लिखते हैं तो स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा। यहां पर बात को समझना है। आप ये देखो, आप किसी का पीछा कर रहे हो लेकिन आप पीछा शुरू करते हो कुछ देर के बाद, तो बीच की जो दूरी लोगे वो तब की लोगे ना जब दोनों मूविंग स्टेज में आ जाओगे, यानी कि आप शुरू कर दोगे उसका पीछा करना। कहने का मतलब क्या है कि ये चली थी सुबह 8 बजे, ये चली थी 9 बजे, लेकिन दोनों मूविंग स्टेज में कब आई थी? दोनों मूविंग स्टेज में आ गई थी 9 बजे। 9 बजे ये वाली गाड़ी भी चल रही थी, 9 बजे इसने शुरू कर दिया था। तो आपको जो दूरी लेनी होगी वो कब की लेनी होगी? जब दोनों ही मूविंग स्टेज में आ जाएं, तब की दूरी आपको बीच में लेनी है। तो यहां पर अगर अपनी बात करें, दोनों जब मूविंग स्टेज होंगी 9 बजे, तो ये एक घंटा चल गई होगी, एक घंटे में कुछ तो चली होगी क्योंकि 8 बजे शुरू कर दिया था, तो 9 बजे 60 किलोमीटर चल गई होगी। 9 बजे ये 60 किलोमीटर चल गई होगी। क्यों? क्योंकि उसकी चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 बजे वो जो रेलगाड़ी है वो यहां थी 9 बजे, और ये वाली रेलगाड़ी यहां थी। दोनों के बीच की दूरी टोटल है 330, 60 चल गई रहे कितने की? 270। ये 270 बीच का रह गया, तो 270 आपको ऊपर लिखना है। क्वेश्चन सोल्व है 2 आवर्स, 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो आपसे पूछा गया कितने बजे मिलेंगी, तो आपको क्या करना है? 9 बजे में 2 घंटे जोड़ दोगे तो 11 बजे एक दूसरे को मिलेंगी। क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्लियर है। अब यहां पर 9 क्यों लिया है? क्योंकि आपने दूरी भी कब के लिए है? जब दोनों रनिंग स्टेज में आ गए थे, तो दोनों रनिंग स्टेज 9 बजे आए थे, 9 बजे में आपको 2 जोड़ देना है, 11 बजे एक दूसरे को मिलेंगी। क्वेश्चन आपका सोल्व आउट है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि दूरी जो लोगे वो कब की लोगे? जब दोनों रनिंग स्टेज में आ जाएंगे, तब की। रनिंग स्टेज में आने के बाद दोनों के बीच की दूरी और चाल दोनों की जुड़ जाएंगी। वैल्यू पुट की क्वेश्चन का आंसर तैयार है। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन बस माइंड में आपको कुछ छोटी छोटी बातें, जैसा जैसा मैं आपको समझा रहा हूं वैसा वैसा आप क्लियर करते जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसे अपने कवर अप करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आप उसे बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चेकआउट कीजिएगा। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तथा समान लंबाई की एक अन्य गाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है जो विपरीत दिशा में चल रही है, दूसरी गाड़ी की चाल बताइए। तो यहां देखिएगा, आपको दे रखा है एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 1 लिख लेता हूं। 100 मीटर की दूरी कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार करती है, तो इसकी चाल निकालो। इसकी जो चाल आ गई, इस रेलगाड़ी की चाल 1 बोल लेता हूं, कितनी आ गई? दूरी बटा समय 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अब क्या कह रहा है? यही रेलगाड़ी जब एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो 8 सेकंड का समय लेती है और उसकी जो लंबाई है वो समान है। अगर मैं रेलगाड़ी 2 की बात करूं तो इसकी लंबाई 100 मीटर है, समय लेती है 8 सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको दी गई है 100 मीटर और 8 सेकंड उसका समय दे रखा है। मुझे क्या निकालना है? केवल दूसरी रेलगाड़ी की क्या निकालनी है? चाल निकालनी है। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो उसकी चाल क्या होगी? दोनों की विपरीत दिशा में गतिमान है तो जुड़ जाएंगी, R1 + R2, उनकी जो चाल है आपस में जुड़ जाएंगी। और बराबर में क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी? रेलगाड़ी फर्स्ट की लंबाई प्लस दूसरी की लंबाई और बटा में आपका समय, यही होता है। लंबाई है ये आपकी, दूरी है, ठीक है, ये आपकी चाल है।
तो इसे कवरअप करते हैं। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 10 और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपकी चाल आपको फाइंड आउट करनी है। पहली रेलगाड़ी की चाल 10, दूसरी की x, दूरी कितनी होगी 100 a और 100 a 200, बटा में समय कितना ले रही है 8 सेकंड। ये कैलकुलेट किया कितना आ गया 25, 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स बराबर 25, एक्स बराबर कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ गई, लेकिन आपको चाल किस में निकालनी है, आपको चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 15 को अपने गुना करेंगे 18/5 से, 5 कट गया 3, 18 3 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4 आपके रिक्वायर्ड आंसर को बता रहा है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, आपको बस समझना है, अच्छे से पूरा फोकस रखना है, बहुत अच्छे से आप मैथ को कवर अप करवाएंगे। और मेनली आपका क्या होना चाहिए, डेली रूटीन के अंदर आपको क्लास लगानी है, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने डिस्कस करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ध्यान से इसे समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कवर अप कर पाओगे। दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 3:4 है, ये एक दूसरे के विपरीत समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को 3 सेकंड में पार करती है, तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, दो रेलगाड़ियां हैं, मैं इसे लिख लेता हूं R1 और R2, इनकी जो चाल का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:4। अगर दूरी समान होती तो उल्टा कर सकते हैं, यहां नहीं करेंगे, 3:4 दिया गया है। और प्रत्येक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को 3 सेकंड में पार करती है, तो यहां पर आपको समय जो दिया गया है इसका भी दिया गया 3 सेकंड। जब ये टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी इसका भी दे रखा है 3 सेकंड। और मैं अनुपात हटा लेता हूं, एक्स लगा लेता हूं, इसकी 3x और 4x है। इनकी लंबाइयों की बात करें, रेलगाड़ी की लंबाइयां, इसकी L1 मान लेता हूं, इसकी L2 मान लेता हूं, क्लियर, इसकी L1 और इसकी L2। तो आप जब देखोगे तो मैं इस रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड आउट कर लेता हूं, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई चाल गुना समय कितना आ गया 9x, और इस रेलगाड़ी की लंबाई की बात करूं कितना आ गया 4 × 3 = 12, 12x, क्लियर। ये हमारे पास दोनों चीजें याद गई हैं, लंबाई इसकी और इसकी लंबाई, क्योंकि जब वो एक दूसरे को विपरीत दिशा में गतिमान है पार करेंगी, तो आपको दोनों की लंबाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहां पर दोनों रेलगाड़ियां जब एक दूसरे को पार करती हैं विपरीत दिशा में गतिमान होकर, तो कितना समय लेंगी, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या होगी दोनों का टोटल कितना हो गया 21x, क्लियर। और चाल की बात करें दोनों का टोटल या अंतर, टोटल क्योंकि विपरीत दिशा में गतिमान है 7x, एक्स से एक्स कट गया, आपके पास कितना गया 3 सेकंड। क्वेश्चन आपका सोल्व जो आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन की वर्डिंग को पढ़ना है। क्वेश्चन की वर्डिंग को अगर आप अच्छे से समझ पाए तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं पर सोल्व आउट हो जाता है। तो होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर आपको करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी नए सेशन में कल की क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।